मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की शुरुआत बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है मेरी, और आज का जो व्लॉग होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि 14 नवंबर है, तो फिर चिल्ड्रंस डे की पार्टी अचानक से किस तरह से सरप्राइज पार्टी बन गई थी, और एक फंक्शन इस तरह से निकल आया कि बच्चों की भी पार्टी स्टार्ट कर दी। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग इस तरह से कंटिन्यू। और ये आ गए हैं, अभी दिखाते हैं, ब्लॉग की शुरुआत इस तरह से होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल आपने देखी ही होगी, ये लो वेस्ट साड़ी थी हैंकी टक के साथ, और ये वाली साड़ी मैंने आपको बोला था मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कहाँ गई थी इस साड़ी को पहनने के बाद। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। पार्टी काफी अच्छी रही, फैमिली के सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ये फैमिली फंक्शन हो गया था, और चिल्ड्रंस डे पे कुछ बच्चों के लिए न्यू क्रिएटिव सा हो गया था। बच्चे तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मतलब फैमिली फंक्शन में हमेशा आप चाहे वैसे अटेंड हो या ना हो, लेकिन फैमिली फंक्शन में बेटा जरूर अटेंशन होनी चाहिए। तो उसमें आपको अपनी फैमिली से जुड़ने का मौका मिलता है, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चे जानते हैं कि कौन है, कैसे है, हमारी क्या प्रथाएं होती हैं, हमारे यहाँ पर किस तरह से होता है। जैसे कि शादी से पहले हमारे यहाँ पर लड़की भेली लेके आती है, तो भेली लेके आने के बाद मतलब भाई के यहाँ पर वो बोल देगी कि मतलब शादी का कार्ड टाइप का भी हो जाता है और भेली भी हो जाती है। मीठे से शुरुआत करते हैं बहन भाई के यहाँ पर, फिर भाई रोका वाले दिन, रोकना जो होता है, जो बेटे का रोकना होता है ना, उस दिन जाने के बाद वहाँ पर भात देते हैं, भात जो नरसी का भात और कृष्ण भगवान जो थे उनका उन्होंने दिया था फर्स्टली, जहाँ से शुरुआत हुई थी इस भात सिस्टम की। तो ये एक दूसरे से जुड़ने के मौके होते हैं, क्योंकि बहन बेटी शादी हो जाती है तो कुछ नहीं लेके जाती है, लेकिन हम भात के जरिए अपनी बेटी को जो कुछ देना चाहे अपनी इच्छा अनुसार, लेन देन की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, लेकिन जो अच्छे से बिहेवियर वाइज जो अच्छे से हमारे संपर्क बने रहें, उस तरह से मान सम्मान के तौर पे बहन टीका करती है अपने भाई का, तो उसे बोलते हैं भात। भात में आपकी हिसाब से 10, 5, 20, 25 लाख जिसका जितनी मतलब औकात, उस हिसाब से वो एक दूसरे को बॉन्ड करती है। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट। तो आज मैंने सोचा थोड़ी सी बातें करके एक छोटी सी न्यूज़ आपको दे दूँ रिलेटेड बाई शादी से, जो फंक्शनल होते हैं हमारे यहाँ पे किस तरह से होते हैं। चलिए अब आ गए हम, तो फ्रेंड्स आ गए हैं अपने घर, और यहाँ पर बैठे साथ में, और जी जी को मैं दवाई दूँगा, दवाई पिता दवाई दे रही हूँ। बोलो क्या पढ़ रही हूँ? न्यूज़पेपर पढ़ने के शौक है पहले से, हमेशा पढ़ लेंगे, है ना। तो ये अपना पढ़ रही है न्यूज़पेपर, और हम यहाँ पे ऐसे, और अब चाय बनाएंगे अच्छी सी, और चाय पियेंगे साथ में, और बैठेंगे, और फ्रेंड्स खाना बढ़िया लगा, बढ़िया देखा। और जैसा कि गाइस, जहाँ से मैंने अपना ये व्लॉग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि मैं दीदी के यहाँ गई थी, फिर वहाँ पर क्या हुआ था कैसे वही सब आगे चलेगा व्लॉग में, और कल के दिन मैंने क्या किया था वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है मेरी छोटी वाली दीदी का घर, उसे ग्रीनरी से बहुत जुड़ी हुई है, दोनों बहनें एक ही घर में है, छोटी और बड़ी, देवर जेट के लिए देखिए। मैं इसी दिन रखती फिर तू ले लेता। तो चलिए चलते हैं अपने घर वापस, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। मैं वन डे लेफ्ट दीदी के यहाँ रही थी, उसके बाद अपने भी घर पे काफ़ी काम है, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे कल मॉर्निंग में। तो चलिए चलते हैं, और फिर इनका चिल्ड्रंस डे पार्टी भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ सुनील जी लेके आए हैं मेरे लिए बहुत ही टेस्टी यम्मी, मॉर्निंग में ही
कढ़ी और चावल। मुझे कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और जहाँ से ये लेके आते हैं उसका ये मिर्च वाला अचार बहुत ही यम्मी और टेस्टी है। बड़े बड़े पकौड़े होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत यम्मी लगती हैं मिर्चें। और देखिए बताते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, कभी कभी बाहर से खाना चाहिए ज़रूर। तो आज बना है सर्दी का पहला वाला साग, तो मैंने बना दिया, देखो साग और बाजरे की रोटी और ये देसी गुड़ अंदाज देसी, तो सुनील जी की फेवरेट है, मना किया इन्होंने बनाने के लिए, फिर भी मैंने बनाया। कैसा लगा? एक नंबर। और अब ऑफ टेस्टिंग होगी लौनी के साथ, देखो लौनी ये साग बता कैसा बड़ी। और अब कहूंगी फाइनली मैं, क्योंकि जब से मैं बनाने में लग रही थी ना, हाँ देसी घी मेरा, जैसे कि सबको पता है मैं घी हमेशा घर का ही करती हूँ। और जैसा कि मेरा हर समय का रूटीन है, शिवम स्कूल जाता है तो हम इवनिंग में ही तेल डलवा के रख देते हैं, पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे और उसके बाद इसकी स्कूटी रेडी हो जाएगी इसके अगले दिन के लिए। तो चलिए चलते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग टी के साथ करते हैं वेलकम, सर्व होने वाली चाय। और यहाँ ये रही मैं, इनकी चीज पर चाय बन रही है यहाँ पे, काफी अम्मी दूध में लगाती हूँ मैं पत्ती सुबह सुबह। और ये मेरा दूध, 3 किलो दूध लेती हूँ मैं पूरा दिन निकालते हैं। और आजकल तो सर्दियों का टाइम है तो फिर दूध में पत्ती पी जाती है और टेस्टी टेस्टी यमी यमी चाय पी के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस तरह से होती है मेरी गुड मॉर्निंग, कुछ सारी क्लीनिंग डस्टिंग करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। चलिए करते हैं चाय एंजॉय और फिर मिलती हूँ आपको। और ये है वो वाली लोकेशन जिसमें मैं आपको बता रही थी फंक्शन से रिलेटेड अब हम मस्ती करने वाली हैं, चिल्ड्रंस डे की पार्टी भी हो जाएगी बच्चों के लिए और एक और फंक्शन अटेंड कर दिया है हमने और सारा ग्रुपिंग फैमिली फंक्शन था, बहुत मज़े आए। और कौन कौन आया देखिए, तो यहाँ पर एक भात लेके भेली लेके आई है हमारी सिस्टर इन लॉ, तो उसी चीज़ का फंक्शन है, सारी लेडीज़ इकट्ठा होके हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर अपने। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं हर तरह का, मतलब फूड वगैरह का अरेंजमेंट सब तरह का। और ये है हमारी पूरी की पूरी फैमिली, तो जैसे कि मैंने बताया था भेली में भात के गीत गाते हैं तो वही सब कंटिन्यू रेगुलर गा बजा के हम सबका वेलकम कर रहे थे। पूरी की पूरी मेरी फैमिली है ये सब, तो आ जाइए मेरी फैमिली में, आपका
अपने में कर लो, मतलब अपने में कर लो, कोई जरूरत ना। और जैसा कि सबको पता है कि मतलब कहीं पे भी जाते हैं ना तो एक अपना अपना ग्रुप बन जाता है, उसमें होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनके एक दूसरे से बॉन्ड बन जाते हैं ना, वही सब मिलके एक साथ अपनी सीट घेर लेते हैं, जैसे चार पांच। तो सुनील जी तो अपना पॉलिटिक्स लाइन में है, तो उन्होंने अपना कॉम्बो देखा, ऑरेंज और वाइट डाला था और मैंने ये डाला था, और फिर उसके बाद काफ़ी मस्ती डांस रेगुलर हुआ था। आप सब तो जानते हैं मुझे डांस का कितना शौक़ है, तो रील्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, इंस्टा रील मेरी आपको पता ही होगी, पूजा सुनील शर्मा के नाम से है। और यहाँ पर डांस की जो मस्ती चल रही थी, अभी हम उनको इंजॉय करते हैं और बाद में आपको अपना डांस तो ऑब्वियस दिखाना बनता है। तो देखिए इतनी सुंदर सी फैमिली है, और जहाँ फैमिली होती है वहाँ पर मौज मस्ती तो बनती ही बनती है। चलिए करते हैं, इसी एंजॉय को आप सबके बीच में लेके आती हूँ।
है बड़ी थैंक यू। अब हो गया है खाने का टाइम, तो चलिए कर लेते हैं अपना लंच जो पार्टी का अरेंज हुआ था। चलिए, मुझे तो हल्का फुल्का ही खाना था क्योंकि मैंने स्टार्टर अच्छे से खा लिया था। और ये मैंने लिया था मंचूरियन विद फ्राइड राइस, हक्का नूडल्स फ्राइड, और देखिए मटर मशरूम। और यहाँ बच्चे खा रहे हैं खाना। तेरी शर्ट प्रेस कर कहीं तू ही होगी पैर का और क्या रखती है स्कूटी से आपका तो कौन सी जॉब को पड़ा है तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। वापस हो गया है, हमारी पार्टी भी हो गई है, बच्चों का भी एंजॉय हो गया है, बच्चे भी घर पे पहुंच गए हैं और मैं जाऊंगी सुनील जी के साथ। कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स से डेकोरेशन की गई थी, बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये अरेंजमेंट। फंक्शन का जो पार्टी हॉल था बहुत ही प्यारा था, जगह जगह फ्लावर्स से ही डेकोरेशन हो रखी थी। और उसके बाद रात में हमारी चाची ताई ये अपना जो बेटियाँ लेके आती हैं मिठाइयाँ फ्रूट्स और भेली मतलब गुड़, तो वो सब बांटती हैं। तो ये हमारी पारिवारिक फंक्शन होता है, यही होता है, सब जुड़ के इस तरह से बांटते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगले ब्लॉग के लिए रेडी रहिए। इस ब्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। तो बाय बाय एवरीवन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट।